जिंदा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? बिना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ कर। देखिए, अगर प्रधानमंत्री अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं तो पार्लियामेंट में हमने इतने सवाल उठाए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? अभी किंग पिन बाहर है, किंग पिन का नंबर भी आएगा। एक अघोषित आपातकाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं और ये हार की बफलाहट है। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाइए, संजय सिंह भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहे थे। आपको देश की न्यायपालिका के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए। ईडी के पास जितने सबूत हैं वो सारे कोर्ट में पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, चुनाव लोकसभा तुम हार रहे हो और जब तक हार की गारंटी नहीं हो जाएगी 2024 के चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, TVN भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हमारा आज का विषय है देश भर में पड़ रही ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड, जिसका नाम हमने दिया है, इस रेड को क्या नाम दें। सबसे ताजा नाम संजय सिंह का है जिनको कल ईडी ने गिरफ्तार किया है और आज देश के कई राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स ने रेड की है। सवाल है कि इस रेड के पीछे क्या है, इस रेड को क्या नाम दें। आज देश में कहां कहां एजेंसियों ने छापेमारी की है ये जान लीजिए। कर्नाटक में छापेमारी हुई है जहां पर डीसीसी बैंक के चेयरमैन मंजूनाथ गौड़ा के शिवमोगा स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की। वहीं एपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं वो, शिवमोगा में उनके 3 आवास पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा कानपुर में आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह तड़के मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। करीब 150 से अधिक आयकर अफसरों ने कानपुर के सिविल लाइन इलाके में छापेमारी। ये देखिए, ये BRS के महंती गोपीनाथ विधायक हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके यहाँ छापेमारी की, इनके आवास और इनके कार्यालय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। ये देखिए, इसके पहले DMK के नेता हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई, TMC के जो नेता हैं उनके यहां छापेमारी हुई। आज छापेमारी का एक लंबा दौर चला है देश में। मंजूनाथ गौड़ा जो कि DCC बैंक के चेयरमैन हैं, ईडी की छापेमारी कर्नाटक में इनके यहां भी हुई और एक बड़ा ग्रुप है उत्तर प्रदेश का जिसके 20 ठिकानों पर आज छापेमारी हुई है, 35 ठिकानों पर, 20 यूपी में और 15 MP में। कानपुर स्थित इनके आवास पर और छापेमारी हुई है, हैदराबाद और तमिलनाडु में IT की रेड हुई है। ये लगातार आज सुबह से हो रहा है, उद्योगपतियों और व्यापारियों और ठेकेदारों के घर पर ये रेड हुई है। लेकिन ये पूरा मामला अब जिस तरह से छाप, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद या इससे पहले भी जो भी मामले सामने आए, NDA वर्सेस इंडिया का बन चुका है। और अब इस सब के बीच आपके सामने जरा हम दो पहलू रखते हैं, दो तस्वीरों को आप देखिए, दो पहलुओं को देखिए। एक तरफ आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बवाल हुआ। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के धार में पूछा कि ईडी की कार MP कब पहुंचेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि CBI, ईडी और IT बीजेपी के प्रकोष्ठ है, केवल विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम इंडिया के नेता कह रहे हैं, ठीक है, मान लिया ऐसा हो सकता है। ये जो आज देश के एक बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान पर छापे पड़े हैं, फिर ये क्या है? देश के बड़े सेलिब्रिटीज को ईडी ने जो समन किया है, इसके पीछे कौन सी राजनीति है? ये क्यों नहीं, क्या ये भी राजनीति से प्रेरित है? ये कौन सा बदला है? अभी कुछ दिन पहले पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पुलिस ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था
अब बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इसको लेकर क्या स्थिति सामने रखी है और कैसे आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है, जरा ये सुनिए। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है, ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? तो समझे आप संबित पात्रा क्या कहना चाह रहे हैं। हाल ही में पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी हुई तो अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए कानून की दुहाई दी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन ठीक कुछ उसी तरह की कार्रवाई दिल्ली में हुई, शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, तो इसे उनकी पूरी पार्टी सियासी बदला बता रही है। अब यहां पर मेरे सामने जो खास मेहमान है, मैं आपसे उनका तारुफ कराता हूं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी से संजीव झा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। इस पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं करुणा सागर आरजेडी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ तहसीन है कांग्रेस पार्टी के समर्थक। मैं आप सभी का स्वागत है और मैं आपसे शुरुआत करूंगा शाजिया। शाजिया, आपने प्रियंका गांधी को जरूर सुना होगा, मुझे लगता है आप अपने विरोधियों को सुनती होंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। 18 साल में 250 घोटाले और मध्य प्रदेश की तरफ ईडी की कार क्यों नहीं मुड़ती है, यहां क्यों नहीं आती है, ये प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है, क्या जवाब है इसका? प्रियंका गांधी अगर जरा सा पढ़ लेती, या बहुत सबके पास फोन है आजकल, उनके पास भी होगा अच्छा फोन, तो उन्हें समझ में आता कि व्यापम की पूरी डिटेल में जांच भी हुई है, पड़ताल भी हुई है, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कम जानती हैं, कम रिसर्च करती हैं, जानकारी कम है। और देखिए सारे के सारे मामले जो हैं उसका सबका क्या इसमें जवाब आ रहा है, सबका जवाब है राजनीतिक। कोई भी मुद्दों पर नहीं बात कर रहा। जहां बात है संजय सिंह की, संजय सिंह का क्या मामला है, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, दिनेश अरोड़ा का बयान है, एक बालिया बयान है, डिटेल सामने आ रहे हैं, करोड़ों रुपए का लेन देन है, चेक तो सिर्फ 82 लाख का है, करोड़ों का आना जाना आदान प्रदान पैसों का हुआ है, वो पैसे कहाँ गए। अब पीएमएलए में 3 इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, किस तरह से पैसे को अक्वायर किया, कैसे उसे छुपाया, कैसे उसका वितरण किया, तो अब तीनों चीजें उसके प्रमाण जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बाकायदा अदालत में दे रहे हैं। अदालत में तो मुद्दे पर आना पड़ेगा, बाहर अब सियासी बात कर सकते हैं सारी, तो सब सियासी चल रहा है कि बिछंटेंगे। भाई आप क्यों क्या, अगर आपको लग रहा था कि हमारी सरकार या भाजपा की सरकार बड़ी दमनकारी है, बड़ी निर्दयी है, बड़ी फांसीवादी है, ना करते भ्रष्टाचार, नहीं फंसते आप, किसने कहा था आपसे करोड़ों इकट्ठा करने के लिए, करोड़ों इकट्ठा आप करें, वसूले आप, गड़बड़ घोटाले आप करें, आपकारी पॉलिसी आप बदले, पॉलिसी को बदल कर फिर उसको वापस पॉलिसी पे आ जाए, साउथ पूरा को साउथ ग्रुप को इतना आप पैसा दें, विक्रेताओं को या चुनिंदा लोगों को आप वो वहां पे घूसखोरी करें, लेकिन जब बात हो तो अरे हम तो विपक्ष के, विपक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इम्यूनिटी मिलेगी, कोई ऐसा कानून नहीं है। अरे विपक्ष में रहने का मतलब है कि इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, सही बात है, तो इम्यूनिटी तो इधर भी नहीं मिलनी चाहिए ना, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अभी मैं बताऊंगा, आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा शाजिया, अभी आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा तहसीन पूनावाला। तहसीन, विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको इम्यूनिटी मिल गई, आपको मतलब जो इसको कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, और सीधी सी बात है जब ये कहते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो वो तो सब पे अप्लाई होता है। गौरव जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि विपक्ष में होने का ये मतलब नहीं है कि आपको इम्यूनिटी मिलेगी, बिल्कुल सही आपने फरमाया। लेकिन क्या विपक्ष में होने का ये दुर्भाग्य होता है कि 121 रेड अगर ईडी 121 कार्रवाई अगर ईडी करती है, 115 विपक्ष पे करती है और महज 6 भाजपा के या उनके सांसदों पे या उनके इर्द गिर्द के लोगों पे करती है, क्या ये मतलब होता है? जिन केसेस में खुद भाजपा ने पत्र लिखा है, चाहे वो चौधरी जी हो टीडीपी के, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा जी हो, चाहे वो अजीत पवार जी हो, व्हाइट पेपर खुद बीजेपी ने निकाला है। एक केस में कहा दाऊद से पैसा आ रहा है, इनके एमपी ने कहा, हेमंता बिस्वा शर्मा जी के केस में व्हाइट पेपर निकाला, उनको अक्यूज से विटनेस बनाकर एक भी उनपे जांच नहीं हुई। मैं टीवी 9 ही देखता हूँ गौरव जी, आपका शो ही देखता हूँ, अजीत पवार पे कोई जांच हुई?
हिमंता बिस्वा शर्मा जी को एक बार बुलाया, उसके बाद उनको विटनेस बना दिया, कुछ हुआ उन पर? 121 में से 115 विपक्ष पे। अब आते हैं तथ्यों के ऊपर। बिल्कुल सही शाजिया जी ने कहा, लॉ विल टेक इट्स ओन कॉस्ट। लॉ तो कॉस्ट ले रहा है ना। इनका कॉन्विक्शन रेट है 0.6%, 0.6%। इसका मतलब क्या होता है गौरव जी? इसका मतलब होता है द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। क्योंकि ईडी में क्या हो रहा है गौरव जी, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आप तब तक दोषी पाए जाते हो जब तक आप अपने आप को निर्दोष नहीं साबित करते। इन्होंने लीगल जुरिसप्रूडेंस बदल दिया है ताकि आपको तकलीफ होती है। गौरव जी, मैं एक बात से अपनी बात समाप्त करता हूँ। ईडी जो कानून अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया था, उसको चिदंबरम जी ने उसको मजबूत किया था, ये कानून था टेररिज्म को लेके, ड्रग्स को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को। आज ईडी में, आज ईडी के अंदर कॉपीराइट डाला इन्होंने। यानी गौरव जी, अगर उनको आपका और मेरा डिबेट पसंद नहीं आए, ये कॉपीराइट के इंफ्रिंजमेंट हमें ईडी में बंद कर सके। ये इस कानून का मूल था, ये इस कानून का ऑब्जेक्टिव था। इस कानून को जिस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ है, 0.6% कन्विक्शन है, लेकिन सफरिंग दुरुपयोग हुआ है कानून का। ओके, आपका टेक अवे दुरुपयोग हुआ है कानून का। एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर अबू आजमी के ठिकानों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। तो जब हम रेड की बात कर रहे हैं, तो देखिए अभी अभी रेड की खबर, करुणा सागर जी, रेड इंडिया के नेताओं पर पड़ रही है। लेकिन रेड केवल इंडिया के नेताओं पर पड़ रही है ऐसा तो नहीं है। बीजेपी कहती है जो भी भ्रष्टाचारी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। फिर आप लोग ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? गौरव जी, मेरी 32 साल की पुलिस की करियर है एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते, और इसलिए हमने ईडी के फंक्शनिंग को थोड़ा क्लोजली देखा है। देखिए, जुलाई 2022 में पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बताया गया था कि 5,422 केसेस ईडी ने रजिस्टर किए थे, और उसमें कन्विक्शन रेट हमारे मित्र बोल रहे थे 0.6% इज लेस देन 0.5%। ओके, अगर किसी थानेदार का ये कन्विक्शन होगा तो बेचारा सस्पेंड हो जाएगा। और नेशनल एवरेज जो आईपीसी क्राइम का कन्विक्शन रेट है वो है 57%, और जितने केसेस रजिस्टर हुए हैं पॉलिटिशियंस के, वो 95% अपोजिशन के पॉलिटिशियंस पे हुए हैं। देखिए, पीएमएलए के साथ क्या है कि कुछ ये स्ट्रिंजेंट लॉ है, सारे पीएमएलए के केसेस में केसेस ऑफेंसेस जो हैं नॉन बेलेबल हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड पर है। यहाँ पर जो हमारा जो जुरिसप्रूडेंस है उसको पलट दिया गया। दूसरी बात, एडमिशन बिफोर ईडी ऑफिसर इज एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप किसी पुलिस के अधिकारी को अगर कन्फेशन देते हैं तो आप कोर्ट में उसे पलट सकते हैं, लेकिन ईडी के अधिकारी को अगर आप देते हैं तो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी बात, जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो मतलब इतनी मुश्किल है कि आपको वर्षों दशकों लग जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने में। और लगातार पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के फंक्शनिंग पर बार बार चिंता व्यक्त की है, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, चाहे वो संजय राउत जी का बेल का मामला हो या वो 3M के डायरेक्टर्स के बेल का मामला हो, विंडिक्टिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आज मनीष सिसोदिया जी के बेल के केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये जजमेंट नहीं आया है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ये थे कि मनीष सिसोदिया जी पर पीएमएलए के केस बनता ही नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। और फेमा में इन्होंने 12,000 केसेस आज तक रजिस्टर किए हैं, जिसमें 6,400 केसेस अभी भी चार्जशीट भी नहीं हुए हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ईडी को जो बनाया गया था कि फाइनेंशियल फ्रॉड से जो देश को जो नुकसान होता है उससे लड़ने के लिए एक हथियार होगा, इसलिए बनाया गया था, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है उससे साफ है। मैं भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, आपके तीन साजिया जी पैनलिस्ट हैं, तो मैं अपनी बात को बस, मैं
हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट हमारे भाई, एक मिनट उनकी बात पूरी, उनकी उनकी बात पूरी हो जाए फिर शादी हमारे चुनाव के मैदान में आप सबसे अकेले अकेले लड़ते हैं तो यहाँ भी आपको सबसे अकेले लड़ना पड़ेगा शादी। अब मैं आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए, आपकी बात पूरी हो गई यहाँ पर करुणा जी, करुणा जी आपकी बात पूरी हो गई मैम प्लीज, इसीलिए कह रहा हूँ ताना मत मारिएगा कि आप अकेले हैं, क्योंकि आप अकेले ही सबसे लड़ रहे हैं, जरूरत ही नहीं है किसी को। एक मिनट मैं आ रहा हूँ, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए, करुणा जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। लास्ट पॉइंट ये है कि ईडी को मालूम है कि उनके केसेस में कन्विक्शन इम्पॉसिबल है, मोस्ट 95% क्या मतलब 0.5% कन्विक्शन है, तो ये वो क्या कह रहे हैं शाजिया, सुना आपने? ठीक है सर, ओके जी जी, मैंने मुझे कह रहे हैं कि आप सुनाना है नेताओं पर या ईडी ने जितना है पाव पर एक्शन किया उस पर कन्विक्शन तो है नहीं। देखिए करीब बोलिए शाजिया, देखिए जब भी मामले आते हैं रेट्स के, यही आंकड़े बार बार पेश किए जाते हैं, यही प्रवक्ता होते हैं, यही आंकड़े देते हैं, चाहे टीएमसी का मामला हो या डीएमके का मामला हो या आरजेडी का मामला हो। आरजेडी का मामला तो खैर अलग हो जाता है क्योंकि जब इनके खिलाफ रेट्स हुई और कन्विक्शन हुआ तो सब जानते हैं कि वो यूपीए की सरकार थी, तो भाई जो भी सरकार आती है आरजेडी को ही पकड़ती है। हो सकता है इनके चरित्र ही घोटालेबाजों का है, तो कोई भी पार्टी जो है, कोई भी रूलिंग डिस्पेंसेशन हो, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, रोक नहीं पाती क्योंकि इतने ज्यादा प्रमाण मिल जाते हैं। तो ये उनका यूनिक मामला है, ये पूर्व आईपीएस अफसर है, अब आरजेडी में है, बहुत अच्छी इन्होंने पार्टी का चयन किया है। मैं भाई साहब को, अच्छे भाई साहब को एक कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। ईडी के मामलों का उन्होंने जिक्र किया, दरअसल ईडी के मामले जो पॉलिटिकल केसेस में है, जिन पॉलिटिकल केसेस की दुहाई दी जा रही है, ये रिसर्च हमारे पास भी है साजिया, ये पूरा रिसर्च है, मैं अभी एक एक करके सारा रिसर्च दिखाऊंगा। आप अपनी अपना पक्ष रखिए, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित है। अगर आप लगातार बोलेंगे तो मैं चली जाती हूँ भाई साहब, आप बोल लीजिए, मैं तो अपनी बात रखूंगी। अरे आप अपनी बात रखिए, लेकिन जिसकी आप तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो हम दिखा ही रहे हैं, वो सारे ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी निशाना बना रही है। नहीं, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैडम आप भी बोलेंगी और आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन सवाल तो मैं पूछूंगा ना, आप पूछिए। लगातार अभी भी बोले जा रहे हैं भाई साहब, आप मैंने शुरू भी नहीं किया अपने बात, मैंने शुरू भी नहीं किया, आप मैंने आंकड़े पेश भी नहीं करे, तो मैं आपके पास आंकड़े हैं लेकिन आप पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लेंगे। 96% कन्विक्शन रेट है जो पॉलिटिकल केसेस की बात है, और उनमें से जितने भी केसेस हैं 25 केसेस में 24 में पूरी तरह पूर्ति हुई है, ये पॉलिटिकल केसेस की बात है। दरअसल ईडी में जो भी केसेस, और ईडी की तरफ से बयान है मार्च का, ईडी ने बाकायदा कहा है कि जितने भी केसेस हमारे आते हैं जो पॉलिटिकल मामले हैं वो सिर्फ 3% से भी कम है, और उसमें 96% कन्विक्शन रेट है भाई साहब। ठीक है, अब संजय संजीव जी, नहीं अभी जैसे रुकिए, तहसीन तहसीन संजीव जी मेरे साथ बहुत देर से रुके हुए, आप एक ही लाइन अच्छा बोल दीजिए, एक लाइन बोल दीजिए तहसीन, एक लाइन बोल दीजिए शाजिया, शाजिया 4:15 आप बोल चुकी हैं, आप तहसीन एक लाइन बोल रहे फिर संजीव जाते हैं, आपसे माफी चाहता हूँ। ओके शाजिया आप सुन लीजिए, शाजिया सुन लीजिए, तहसीन एक लाइन बोलिए बस। जी जी संजय भाई, मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, ये जो आंकड़े 95% के ये गलत है, ये 96, अरे यार ये बड़ा हुआ था, ये पार्लियामेंट में भी बोला गया था, ये जो 96, 26, 24, 25 में से 24 केसेस में कॉन्विक्शन हुआ है, ये सब 25 केसेस की चार्जशीट, सब 25 केसेस की चार्जशीट यूपीए दरमियान फाइल हुआ था, एनडीए के टाइम पे उससे भी कम हुआ, यानी पॉइंट। ठीक है ओके, अब इस पे आगे आएंगे, इस पर अब आपस में बहस मत कीजिए, संजीव झा बहुत देर से बैठे हैं, उनके नेता गिरफ्तार कर लिए गए, उनके नेता अंदर ऑलरेडी जेल में, उनकी तो बात ही नहीं हो पाई, ये क्या लॉजिक हुआ, और 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए इसी पीछे खबर आ रही है, संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर, 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिए गए हैं संजय सिंह, ईडी को उनकी 5 दिन की रिमांड मिली है, 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर रहेंगे। संजीव झा सुना आपने सबको, क्या प्रतिक्रिया है आम आदमी पार्टी की, बताइए। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने सभी प्रवक्ता को बहुत गंभीरता से सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी उतनी गंभीरता से सुनी जाएगी। आज पहले मैं आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है मनीष जी के केसेस का, आपने देखा कि ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का है कंप्लीटली बस्टेड कर दिया, और इसी के पास कोई शब्द नहीं थे, वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि वास्तव में करप्शन क्या है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑब्जर्वेशन था कि ट्रायल में ये 3 मिनट में खत्म हो जाएगा,
वो ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं 50,000 के चार्ज शीट, 15 महीने की जांच, 500 से ज्यादा अफसर, 1,000 जगह छापा मारने के बाद आज तक ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि वास्तव में मनी ट्रेल क्या है। अब देखिए अचानक एक संजय सिंह का नाम, 50,000 पेज के पन्नों में कहीं संजय सिंह जी का नाम नहीं है, और इनका स्टार विटनेस कौन है, वो दिनेश अरोड़ा, जो दिनेश अरोड़ा अभी तक 4 बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर चुका है। अभी भी मान लीजिए एक अप्रूवर के स्टेटमेंट पर रिलाय करके अगर आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये कह रहे हैं वो स्टार विटनेस क्या कह रहा है कि संजय सिंह जी ने मीटिंग कराई, तो अब मीटिंग कहाँ कराई, तो मनीष सिसोदिया जी से कराई, सीएम साहब से कराई, तो ये सब तो चार्जशीट में आ जाना चाहिए था ना। ये चार्जशीट में क्यों नहीं, अचानक क्यों हुआ? एक बात समझिए गौरव जी, एक बात कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से परहेज होता तो आज अजीत पवार, जिसको कहते थे ये नेचुरली करप्ट पीपल हैं, आज इनके पार्टी में डिप्टी सीएम है, हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है, शुभेंदु अधिकारी देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन है। भ्रष्टाचार से इनको परहेज नहीं है, बस इनकी कोशिश ये है जब से ये इंडिया अलायंस बना रात की इनकी निंद गायब। संजू भाई, संजू भाई, कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि ये बात नहीं चाहता था मैं। नहीं बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं बताता हूँ, वो पूरी कीजिए अपनी बात। चूंकि बात जांच की है ही नहीं, ये बात पॉलिटिकल वेंडेटा का है। जब बात पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल बातें होंगी ना, तो आप कहेंगे ना फिर क्यों अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट पाया जा रहा है। ये सारे स्टेट प्रधानमंत्री ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में लिखी जाती है। ईडी तो किरदार है, ईडी रोल प्ले कर रहा है। आप समझिए ना कि 15 महीने से 500 ईडी के बेस्ट ऑफिसर अगर ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि मनीष सिसोदिया जी ने पैसे लिए, वो करप्शन कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, और 15 महीने बाद संजय सिंह का नाम कैसे आ जाता है, तो संजय सिंह कोई इसमें शामिल ऐसा नहीं है या कोई जी नहीं। अच्छा ठीक है, केवल प्रधानमंत्री को पता चल गया कि चुनाव। शाजी आलमी रुकिए, शाजी आलमी अभी तक इस डिबेट में सबसे ज्यादा आप ही बोली है, वो 15 मिनट के बाद डिबेट में आए, उनका पक्ष तो हम पूरे सुन ले, आता हूँ आपके पास। ठीक है संजीव, आपकी बात पूरी हो गई, संजीव जी आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। दूसरी बात केवल संजय सिंह जी का नहीं है, लगातार जितने नेता का नाम आप गिना रहे हैं, ये अचानक सब क्या ईडी का रेट क्यों बढ़ गया है? बिल्कुल वाजिब सवाल बनता है ना कि जब देखिए बीजेपी का एक मॉडस ऑपरेंडी है, जहां जहां चुनाव होता है पहले ईडी सीबीआई जाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, तो जो ही ईडी सीबीआई नेता पास जाने लगे आप समझिए चुनाव की तैयारी इनकी शुरू हो गई है। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, इस मॉडस ऑपरेंडी से अब काम नहीं चलने वाला। एक बात जान लीजिए, 2024 इनके लिए अब आखिरी कील की ताबूत की आखिरी कील होगी, 2024 ताबूत में आखिरी कील होगा, ये कहती हुई आम आदमी पार्टी। लेकिन जरा जल्दी से जिस कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, जज के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, जरा हम वो दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, और उसके बाद मैं आता हूं आप लोगों के पास। देखिए आज मनीष सिसोदिया केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जस्टिस संजीव खन्ना इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, और सरकारी गवाह के बयान पर उन्होंने ईडी को लेकर कुछ सवाल उठा दिए। ये देखिए मनीष सिसोदिया केस की सुनवाई, ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, उन्होंने पूछा सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे, क्या सरकारी एजेंसी, क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को घूस पर चर्चा देखी थी, क्या यह बयान कानून में स्वीकार्य होगा, क्या यह कहीं सुनी बात नहीं है, यह एक अनुमान लेकिन सब सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना इस जिरह में यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। अब जरा जांच एजेंसियों पर सरकार के इशारे पर काम करने के जो आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में आपके लिए यूपीए और एनडीए सरकार के दौरान सीबीआई जो कि केंद्रीय एजेंसी है उसके आंकड़े देखना जरूरी है। यूपीए के 2004 से 2014 के 10 साल के शासनकाल में 72 नेताओं की जांच हुई, इनमें विपक्ष के 43 नेता थे यानी 60%। वही एनडीए के 2014 से 2022 तक के शासन में 124 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने जांच की, और इनमें 124 नेता विपक्ष के थे, यानी ये करीब करीब 95% के ऊपर वो आते हैं। अब आपको दिखाते हैं यूपीए और एनडीए के दौरान सीबीआई ने कितने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसदों और विधायकों पर कार्रवाई की। यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक के कार्यकाल में सीबीआई ने विपक्ष के 4 पूर्व सीएम, 2 मंत्री, 13 सांसद, 3 पूर्व सांसद, 15 विधायक और 1 पूर्व विधायक की जांच की, जबकि कार्रवाई के नाम पर 12 गिरफ्तारी, 30 चार्जशीट, 6 क्लोजर रिपोर्ट, 6 दोषी और 7 बरी हो गए। वही एनडीए सरकार में 2014 से 2022 तक विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई का एक्शन देखिए, तो सीबीआई ने 1 सीएम, 12 पूर्व सीएम, 10 मंत्री, 34 सांसद, 6 पूर्व सांसद, 27 विधायक और 10 पूर्व विधायक की जांच की, जबकि कार्रवाई के नाम पर 22 गिरफ्तारी,
43 चार्जशीट, एक क्लोजर रिपोर्ट, एक दोषी और शून्य बरी हुए। अब शाजिया अलमी, इन आंकड़ों को तो आपने देख लिया, यहां पर इन आंकड़ों के बाद अब सीधा सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जिस तरह से यहां पर सख्त टिप्पणी की है, क्या कहना है आपका इस पर? मुझे इसमें क्या कहना है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो एसवी राजू जी हैं, वो जो है सारे तथ्य को रखेंगे सामने। नहीं, ईडी की कार्रवाई को तो आप ही डिफेंड कर रही है ना, आप ही ने कहा कि ईडी यहां पर जो कार्रवाई कर रही है तथ्यों के आधार पर कर रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा अगर सबूत नहीं है तो ये केस 2 मिनट में गिर जाएगा, तो वही सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रहा है? अभी संजीव जी बहुत रो पीट कर कह रहे थे, हाय तौबा कर रहे थे कि नहीं, कि सब कुछ मान रही सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को, तो क्यों नहीं सत्येंद्र जैन को बेल मिली, क्यों नहीं मनीष सिसोदिया को मिली, संजय राउत को तो मिल गई, संजय राउत को मिल गई, राहुल गांधी को मिल गई, सोनिया गांधी को मिल गई, फिर आखिरकार मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिली? वही विपक्ष है, वही ईडी है, वही सरकार है, वही करप्शन के मामले हैं, तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिली? राहुल गांधी और सोनिया गांधी और संजय राउत को क्यों मिल गई? लालू प्रसाद यादव तक को मिल गई, कल उनको भी मिल गई, क्यों नहीं मिली आप बताइए? उनका केस तो अलग है ना, उनका ईडी का केस वही विपक्ष है, वही राज है, ये अकल बड़ी की भैंस, मतलब आप खुद सोचिए, अब उनको कैसे बेल मिल गई, क्यों मनीष सिसोदिया को नहीं मिली? अगर सुप्रीम कोर्ट को वाकई में लगता है कि ईडी जो है जबरदस्ती करी, तो मनीष सिसोदिया को इतने देर क्यों लटकाया रखा? सेशंस कोर्ट ने मना किया, हाई कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 3 बार मना किया, अगर इतनी मेहरबान है सुप्रीम कोर्ट ईडी पर तो दे दे जमानत। ओके, यही सवाल लेकर मैं विपक्ष के नेताओं पर जाता हूँ। करुणा सागर जी, करुणा सागर जी, ओके ओके शाजिया, करुणा सागर जी, फिर जमानत क्यों नहीं मिलती? आप लोग कन्विक्शन रेट की दुहाई दे रहे थे, आप देखिए कब से मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन जेल में है, अगर उनके ईडी के केस में कोई मजबूती नहीं है तो फिर जमानत क्यों नहीं मिलती इनको? देखिए, यही हमने कहा था गौरव जी, कि जो पीएमएलए के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं, और इसमें आईपीसी के दूसरे धाराओं के मुकाबले में बेल मिलना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जैसे देखिए, कल जो संजय सिंह जी का अरेस्ट हुआ है, एक क्लासिक केस है, इसमें एविडेंस क्या है, कन्फेशन है दिनेश अरोड़ा का। दिनेश अरोड़ा एक एक्यूज था जो ऑलरेडी बेल में है, तो वो एक्चुअल एक्यूज है कि प्लांटेड है सर, वो एक्यूज था, अब तो वो अप्रूवर है, और अप्रूवर जहां तक कानून आप जानते हैं, अप्रूवर के बयानों पर कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन जब एक आदमी को आप एक्यूज बनाते हैं, अप्रूवर बनाते हैं, और सारे केस का दारमोदार उसी अप्रूवर के कन्फेशन पर जब डिपेंड करता है, तो इसको आप कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे? ईडी ने कोई सीजर मेमो दिखाया कल? कहीं कोई बात नहीं हुई। तो ये लगातार, अब आज देखिए अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं, किंग पिन अभी बाहर है, उसकी जांच हो रही है, वो भी अंदर होंगे, तो आज सर आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो क्या बोले, बीजेपी ये क्या बोलेगी सर? और ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन मैं अभी संजीव झा के पास जाता हूँ। संजीव झा, शाजिया अलमी को सुना क्या कह रही हैं वो? हमने सुप्रीम कोर्ट के उस सख्त ऑब्जर्वेशन को भी यहाँ बताया जो उसका, जिसका रेफरेंस आप दे रहे थे, लेकिन इन सब चीजों के बाद सवाल तो है आपके सामने, जमानत क्यों नहीं मिलती आपके नेताओं को? अगर ईडी गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रहा? देखिए, किसी ने ठीक ही लिखा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून तुम्हारा है और दरबार तुम्हारा है। एक बात बताइए, नहीं तो क्या कोर्ट पर भी आप यही, कोर्ट पर भी यही लागू करते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट पर भी यही लागू करते हैं, देश की अदालतों पर भी यही लागू करते हैं? जब सवाल करते हैं तो जवाब सुनने का पेशेंस रखिए। हम ये अल्टरकेशन वाले आर्गुमेंट में बिलीव नहीं करता। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए, फिर सवाल कीजिए काउंटर। आप मेरा ये बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। आप मेरे सवाल पर जवाब नहीं देंगे तो मुझे बीच में सवाल आपको याद दिलाना पड़ेगा। मेरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट भी गलत है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने क्या, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का बिल का आर्गुमेंट चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, उस ऑब्जर्वेशन में इनके जो भी अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल थे एसजी, आज बता नहीं पाए कि वास्तव में किस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इस पर लगता है कि नहीं लगता। उन्होंने कहा था
तुम्हारे सारे अभी तक जो एविडेंस है जो पीएमएलए लगना ही नहीं चाहिए, इन्होंने एक भी जवाब नहीं दे पाया। एक बात, दूसरी बात, एक बात समझिए कि अब सुप्रीम कोर्ट की ही ऑब्जर्वेशन थे ईडी को लेकर के कि भाई केवल आप ये कह देंगे जांच में कॉपरेट नहीं करेंगे अरेस्ट कर लेंगे ये ठीक नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इनकी एजेंसी, देखिए ईडी को इन्होंने भस्मासुर बना दिया है और ये भस्मासुर कल इनके इनके सर पे भी पड़ने वाला है। कोई भी जांच एजेंसी को इतने एम्पावर्ड नहीं कर दो क्योंकि वो फिर जांच के बजाय एक पार्टी बनकर किसी को भी सैबोटेज खत्म करने का पावर रखता हो, आज ईडी को बना रखा है। लेकिन एक बात समझिए आप कि जितने भी 15 महीने की जांच में अभी तक जैसा मैंने पहले कहा ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पॉलिसी करप्शन है, मान लीजिए मान लिया पॉलिसी करप्शन है, तो जब ये पॉलिसी बनी कैबिनेट फैसला हुआ उससे पहले लॉ सेक्रेटरी, उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी वेट किया इसको और फिर कैबिनेट फैसला हुआ, फिर ये कैबिनेट एलजी के पास गया, एलजी ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, तो फिर एक आदमी कैसे करप्शन कर सकता है? फिर इसमें एलजी भी शामिल होना चाहिए, तीनों सेक्रेटरी शामिल होना चाहिए, क्यूनी सर को पूछताछ की गई, क्यूनी इनको अरेस्ट किया गया, तो इसका मतलब यही बात सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि अगर दूसरा सवाल लेकर आना पॉलिसी करप्शन में तो सबके हिस्सा होना चाहिए था। आप कांग्रेस पार्टी को बड़ा अच्छे से समझते हो संजीव झा, यू मेड योर पॉइंट सर। संजीव, आप कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में खड़े होकर ईडी के मिसयूज की बात करती हैं, लेकिन यहां दिल्ली की यूनिट इस मामले पर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आती, तो ये इंडिया के अंदर जो ये ईडी को लेकर इतना अंतर विरोध है, क्या इस अंतर विरोध के साथ आप मुकाबला कर पाएंगे इस चुनाव में बीजेपी का? देखिए तहसीन पूनावाला को बोलने दीजिए प्लीज। नहीं कर पाएंगे, सीधा आंसर यही है। और कुछ दिन पहले आपने खेरा साहब को अरेस्ट किया, वो भी गलत था, और मैंने तब भी कहा था खेरा साहब को जिस तरह से आपने अरेस्ट किया, और यही जो आज दलीलें आपके प्रवक्ता या उनके सिंपथाइजर्स दे रहे कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छूट जाएगी, वही दलीलें आज बीजेपी दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। जो आरजेडी के यहाँ पे नुमाइंदे है वो भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये थोड़ा सा रुकना चाहिए, इस तरह की छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली की यूनिट हो, चाहे हमें सब हम सबको, क्योंकि मैं मूल बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क से बीजेपी को पॉलिटिकली निकाल उखाड़ कर फेंक दिया जाए पॉलिटिकली। तो अगर हमें बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है कमल को, तो हाथ को मजबूत होना होगा, लैंटर्न को मजबूत होना होगा, झाड़ू को मजबूत होना, हम सबको मजबूत होना होगा। लेकिन इससे मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूँ, मैं आई रिक्वेस्ट यू यार, आई हैव नॉट स्पोकन वंस इन बिटवीन, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है गौरव भाई, आपको देखिए आप जो पूछ रहे कि क्यों बेल नहीं मिल रहा, आपको एक चीज समझनी होगी। पीएमएलए जब ये कानून आया ईडी का, मैं दोबारा से उस बात पे जा रहा हूँ, आप इस बात पे गौर फरमाइए, ये कानून आया टेररिज्म के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाइक पूर्व पुलिस ऑफिसर यहाँ बैठे हुए वो आपको बताएंगे, इसके बाद इसमें जो संशोधन हुए वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। आज आप देखिए आपका केस संजय सिंह जी के खिलाफ क्या है कि एक व्यक्ति जो एक अक्यूज था वो आज अप्रूवर बना है, वो कह रहा है हियर से कि उसने संजय सिंह ने जी ने उसके मनी सिसोदिया से मिलाया, तो मिलाया तो उसमें क्राइम क्या हुआ? मनी आपके पास एविडेंस क्या है? मैं आपको इसका और तथ्य देता हूं, मेरे दोस्त कार्ति चिदंबरम, मेरे दोस्त डीके शिव कुमार, मैं देख रहा था बहुत सारे चैनल्स पे ईडी के नोटिस आए, 9 करोड़ रुपया बरामद हुआ डीके शिव कुमार के घर से, ये सब आया था, ब्रेकिंग हुआ था। कार्ति चिदंबरम का एक टेनिस कोर्ट है विदेश में, आज तक कितने वर्ष हो गए, वो लोग भी जेल में रहे, 6 महीने 8 महीने बेल हुआ, आज तक वो चार्जशीट में फाइल हुआ, चार्जशीट ही फाइल नहीं हो रही क्योंकि ये झूठ हो रहा है। देखिए गौरव भाई मैं दोबारा से कह रहा हूं, बात कॉन्विक्शन कुछ नहीं होनी, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। और गौरव भाई अगर कल सुल्तान साहब को ये पसंद नहीं आए जो चर्चा आप और मैं कर रहे हैं, ये कॉपीराइट के तहत आपको और मुझे जेल में डाल देंगे, और बड़े मियां छोटे मियां हमें जेल में डालेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, इसका समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जरा आप दिखाना चाहता हूं कि सरकार और छापों का क्या रिश्ता है, आपको ये जरा समझना पड़ेगा कि कैसे यहां पर ये केवल अगर हम ये कह दें कि एनडीए की सरकार में हो रहा है और किसी सरकार में नहीं हुआ तो थोड़ा सा ये यहां पर इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए अगर हम यूपीए की बात करें 2013 में यूपीए से डीएमके जब बाहर निकली तो 2 दिन बाद सीबीआई ने एमके स्टालिन के घर पर छापा मार दिया, लग्जरी कार खरीद के मामले में उनके यहां छापेमारी हो गई और छापे से 1 महीने पहले डीआरआई सीबीआई को सूचना दी थी 1 महीने पहले, लेकिन
लेकिन टाइमिंग क्या है, डीएमके सरकार से बाहर निकलती है, दो दिन बाद छापा पड़ जाता है। 2007 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जांच शुरू होती है, आय से अधिक मामले का की जांच होती है। 2008 में एसपी ने यूपीए की सरकार बचा ली और फिर 2013 में उनके खिलाफ मामला बंद हो जाता है। अभी भी यूपीए सरकार है, लेकिन अगर यह कहें कि केवल यूपीए में हुआ तो भी गलत होगा। एनडीए पे आइए, 2021 में नारदा स्टिंग केस में सीबीआई की चार्जशीट में सुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के नाम आई नहीं। बीजेपी में शामिल होने की वजह से ये आरोप लगा कि इनको रियायत दी गई। मुकुल रॉय बाद में हालांकि बीजेपी छोड़कर टीएमसी में लौटे और बड़ा उनका आना जाना लगा रहा, लेकिन इसके बाद अब देखिए यहां पर 2022 में जेडीयू ने एनडीए का साथ छोड़ा, बिहार में जेडीयू और आरजेडी ने सरकार बनाई, विश्वास मत वाले दिन सीबीआई ने छापेमारी कर दी, तेजस्वी समेत आरजेडी नेताओं के घर पर छापे पड़ गए। तो ये जांच एजेंसियां सरकारी हथियार होती हैं नहीं होती हैं, इन केस स्टडीज से आप समझिए। और उसके बाद जांच एजेंसियों पर विपक्ष के आरोप क्या हैं, यूपीए में कैसे ये जो जांच एजेंसियों को लेकर विपक्ष ने नैरेटिव बनाया वो पहले देखिए। जब यूपीए की सरकार थी तो जो आज सरकार में है वो उस वक्त विपक्ष में थे, तब केंद्र कांग्रेस जांच ब्यूरो पिंजरे में बंद तोता, हालांकि कोर्ट से भी ये ऑब्जर्वेशन आया था, तो ये बात आती थी। फिर एनडीए में बीजेपी के तीन जमाई आईटी ईडी और सीबीआई, ये आज कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों के नेता। तो ये जांच एजेंसियां एक तरह से पेंडुलम है, और पेंडुलम से भी ज्यादा फुटबॉल आप कह लीजिए, जिसका जो मन आता है वो इनको किक मारता है। लेकिन सवाल ये है शाजिया इल्मी, आज आपकी सरकार है, सवाल आप ही से पूछा जाएगा। आंकड़े ये बताते हैं कि विपक्षी पार्टियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हो रही है, और ये जब कार्रवाई की हम बात करते हैं तो ये वॉशिंग मशीन कहते हैं बीजेपी को, कि जो बीजेपी के साथ आ जाता है, सुवेंदु अधिकारी आ गए, अजीत पवार आ गए, तो उनके खिलाफ मामले नहीं चलेंगे क्या? जी आपने देखिए सही फरमाया, आपने बहुत सारे फैक्ट्स भी यहाँ पे दिए, और ये भी इससे जाहिर होता है कि अलग अलग एजेंसियां अलग अलग वक्त पर वही सेम खिलाड़ियों को के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब आप ही देखिए इसी जो आपने आंकड़े दिए हैं और जो डिटेल्स दिए हैं, 2007 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कब कार्रवाई हुई ये भी हम जान लें। हम ये भी बता दें, ये वही संजीव जी से मैं पूछना चाहूंगी। नहीं नहीं मैम, मेरा संजीव सवाल आपने सुना नहीं, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा सवाल सुना नहीं, मैंने आपको सब बता दिया किसके सामने क्या हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर अजीत पवार पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे तो क्या उन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अभी भी होगी या नहीं, ये सवाल है मेरा। मैं संजीव जी से ये पूछना चाहूंगी, आप मेरा सवाल, आम आदमी पार्टी जिसकी मैं मेंबर थी, जो इन्हीं सारे लोगों को और उनके भ्रष्टाचार पर, और ये देते गंगोत्री है सोनिया गांधी करप्शन की, अब साथ में मिल गए तो है। अभी पूरी टीम में एक नया इजाफा हुआ है, एक नए खिलाड़ी का, वो खिलाड़ी कौन है? आप पूरे ये पूरा जो गैंग है, और इसी ये जो पूरा भ्रष्टाचार लोगों का जो गैंग है, का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन पहले यही तो यही बात कहते थे ना, ये तो यही बात कहते थे। अजीत पवार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लगाते थे, उनकी जांच अभी होगी या नहीं होगी? आपने कहा कि ये जांच हुई अलग अलग वाक्यों में हुई, ईडी और सीबीआई को अगर आप लगा भी लेंगे, लेकिन सारी से सारी बात जो है, जो सारा तय होगा वो कार्रवाई एंड मुकाम तक पहुंचेगी कोर्ट्स में, और कोर्ट से लगातार बहुत चौंकाने वाले जजमेंट भी दिए हैं। तो अगर गलत है, अगर गलत फंसाया गया है उनको, ठीक है, किसी को भी, तो जाहिर है कोर्ट में साफ बात साफ हो जाएगी। वैसे मुझे इस बात का भरोसा है शाजिया, आप यकीन करेंगे, शाजिया मुझे इस बात का भरोसा है कि आप तक मेरी आवाज जरूर आ रही होगी, मुझे इस बात का भरोसा है आपका मेरा सवाल जरूर पहुंच रहा होगा, कई बार नहीं कुछ कहना होता है, आप मेरे सवाल पर नहीं आई, बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है, और मैंने कोशिश की सबसे ज्यादा समय आप ही को दूं, क्योंकि आप कह रही थी मैं अकेले हूँ, हालांकि अकेले तो आप पूरे देश में सब तमाम पार्टियों से लड़ रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। थैंक यू।